नर्वस रहती है, वो ब्लड सप्लाई खींचते रहता है, इसलिए जिसको जहाँ प्रॉब्लम है उस पॉइंट में दबाने से उस तरफ लेके आना है। जो अच्छे हैं वो और ज्यादा लेने लग जाते हैं कि मेरे पास ही आ रहा है करके, तो अपने को डाइवर्ट करना है। ये मुद्रा विज्ञान, एक्यूप्रेशर, वही सब लॉजिक है कि सप्लाई को बढ़ाना है। और ब्लड पावर बढ़ाने के लिए हमेशा 6-8 महीने में वो पैकेज वाला जो थायरो केयर का है, जो भी कंपनी का आपको कराना है वो कराते रहना चाहिए, और जो चीज़ की कमी है उसको खाने में ले लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी दो ही कारण से डिस्ट्रॉय होती है, या तो कोई विटामिन की कमी से या तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो आप जो भी थेरेपी कर रहे हैं, योगा, वो सब ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, साथ में एक्यूप्रेशर जैसे करेंगे तो वो उस ऑर्गन पे डायरेक्ट सप्लाई करेगा। ये 8-16-32 का लॉजिक ये है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ पानी भी जाता है, दाल में, सब्जी में, सब में पानी रहता है, और सॉलिड चीज़ भी जाती है, और अपन जब मुंह से खाते हैं तो हवा भी जाती है अंदर, क्योंकि दोनों नली यहाँ तक एक रहती है, सांस नली और खाने की, तो साथ में हवा प्रेस होती है तो हवा अंदर चले जाती है। तो आप जब ये 8-16-32 करेंगे तो जैसे बॉटल को हिलाते हैं ऐसे, इस साइड किए दबाए, इस साइड किए, तो बॉटल में कोई भी चीज़ हिलती है तो मिक्स हो जाती है। फिर जब आप बैठते हो तो हैवी चीज़ नीचे आ जाएगी, खाना नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर पानी आ जाएगा लाइट वेट, और गैस उड़ जाएगी। मिक्स करने के बाद बैठे, प्रेस किए तो डकार आएगी, और उसी समय गैस रिलीज हो जाएगी, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, जो भी तरह का प्रॉब्लम है ना, वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हर किसी को रहता है, क्योंकि अंदर ही गैस बनता है। अगर डकार आती है तो समझ लीजिए स्टमक में प्रॉब्लम है, और नीचे से गैस निकलती है मतलब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। तो वो दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंदर हवा जाने ही नहीं देना है। अगर ये करेंगे तो 100% रिजल्ट है। जैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि रामबाण दवा है, फेल ही नहीं हो गए। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो जिस दिन ये सब करेंगे, तो आपको बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम होते हैं एसिडिटी और गैस से ही होते हैं। गैस जाके फंस जाती है, फिर डकार आती है, या फिर वो नसें लॉक हो जाती है, उसकी सप्लाई रुक जाती है गैस के कारण, वैक्यूम।